कानपुर की चकरपुर नवीन फल व सब्जी मंडी में मीडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला, जहां लखनऊ मुख्यालय से एडिशनल डायरेक्टर निधि श्रीवास्तव ने मंडी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एडिशनल डायरेक्टर ने मंडी में कई खामियां पाई, जिस पर मंडी सचिव सुभाष सिंह को फटकार लगाते हुए कई निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि चकरपुर मंडी के व्यापारी आवारा जानवरों और गंदगी से काफी परेशान थे, जिसकी शिकायत कई बार व्यापारियों ने मंडी सचिव से की, लेकिन मंडी सचिव सुभाष सिंह ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद व्यापारियों के प्रदर्शन की खबरें मीडिया में दिखाई देने लगी, जिसके बाद आला अधिकारी हरकत में आए और मंडी में फैली अव्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए एडिशनल डायरेक्टर निधि श्रीवास्तव ने यहाँ का दौरा किया। जानकारी के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर ने सफाई कॉन्ट्रैक्टर पर कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं, साथ ही मंडी सचिव सुभाष सिंह को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। देखिए, आज चकरपुर मंडी का इंस्पेक्शन के लिए आई हूँ मैं, और डेफिनेटली सफाई वाली इशू तो है, सफाई वाला, चूँकि मैंने मंडी में जो भ्रमण किया है उसमें सफाई व्यवस्था से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो ये सचिव साहब को निर्देशित किया गया है और अब ये इसको टेकअप करेंगे और इसको इंश्योर भी करेंगे कि जो सफाई ठेकेदार है इस काम को करे, और अगर नहीं करेगा तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट जो स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन है वो होगा। DDA साहब भी साथ में हैं, तो डेफिनेटली वो इसको मॉनिटर करेंगे और हमें वापस बताएंगे। जो मंडी के अंदर आवारा जानवरों का आतंक रहता है, कई बार लोग चुटिल हो चुके हैं, अगर किसी की जान जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं देखिए, ऐसा सब, खैर अंदर कोई एक्सीडेंट होता है तो सबके लिए हर एक परिस्थिति के लिए हर एक योजना है, लेकिन हम उस एक्सटेंट पे जाएं क्यों, हम ये क्यों सोचें कि भाई किसी की जान ही जाएगी। डेफिनेटली ये अगर आवारा पशु वाली बात है, एक आध मुझे पशु दिखाई पड़े, और ये बड़ा नेचुरल है कि जहाँ फल सब्जी होगी वहाँ पशु आने की व्यवस्था अपना कोशिश करते हैं, तो उसके लिए सिस्टम है हमारा, काउ कैचर्स वगैरह हम लोग लगाते हैं यहाँ। अगर नहीं है तो ये इसको संतोष आप दिखवा लीजिएगा कि एंट्री पॉइंट्स पे हमारे इस तरह के काउ कैचर्स रहे कि जानवर अंदर ना आ पाए। मैम, आपने दो देखे और अगर कम से कम दर्जनों की संख्या में यहाँ पे आपको जानवर नहीं, ठीक है, आपने देखिए ये पॉइंट रेस किया है तो डेफिनेटली वी विल टेक इट अप, और उसमें अब DDA साहब भी साथ है तो इसका हम लोग निस्तारण कैसे हो सकता है इसको देखना चाहिए। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, मेन होल खुले हैं, कुछ टूटे हुए ढक्कन? मेन होल वाला है तो DD कंस्ट्रक्शन है हमारे, क्योंकि ये तो रेगुलर काम है, मेन होल का ढक्कन टूटा है तो उसको तो प्रायोरिटी पर ढकना चाहिए, क्योंकि उसके उसमें तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, तो यहाँ पर कहाँ पर मेन होल का ढक्कन खुला हुआ है? और एक और चीज़ है यहाँ पर, जैसे कि जो कांटे हैं और इन पर कांटे खराब है, जिसके चलते व्यापारियों को नुकसान भी उठाना पड़ता है, वो वेट गलत है, मेन समस्या वजन गलत बताते हैं जिसके चलते व्यापारियों को नुकसान है। वो मैंने देखा है, अभी इंस्पेक्शन जब हम उतरे हैं तो मैंने देखा है, एक कांटा तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और बाकी तीन कांटे काम कर रहे हैं। फिलहाल आज जो वेट हुआ उसमें बाकी तीन कांटों में कोई फ़र्क नहीं आया है, तीनों में हमने अपनी गाड़ी का वजन कराया था तो तीनों का वजन समान आया है, मतलब एक ही सा वजन आया है, लेकिन हाँ ये डेली कैलिब्रेशन वाली बात है। और DDA साहब ने मुझे बताया कि जो लोग लगे हुए हैं उनको उनकी ये ड्यूटी है कि उस समय समय पर कांटों का कैलिब्रेशन होता रहे, जिससे ये डिफरेंस ना रहे जो कांटों में वेट का डिफरेंस आता है, और जो एक कांटा ख़राब है उसको प्रायोरिटी पे ठीक करने के लिए जो है वो इनको बताया है, वो हमारी एजेंसी है, उसको करना भी चाहिए, और जो उसने इतने दिन ख़राब रहा उसकी कटौती भी उससे होगी। पानी का क्या, पानी की व्यवस्था, जो टंकियाँ चालू नहीं है, टंकियाँ तो मैं तो देख गई हूँ तो मुझे तो सब टंकियों से पानी दिख रहा था, काफ़ी समय सफाई नहीं हुई टंकियों के, अगर देखा जाए तो टंकियों के तो इतनी गंदगी होगी, जबकि पानी से पानी पिया जाता है, लोग उसको पानी पीने इस दौरान बहुत